हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए, हम कर रहे थे अपने हायर एजुकेशन जो यूनिट 10 है पेपर 1 का, ठीक है। तो उसके हमने क्या कर लिए थे अभी तक, जो हमने वैदिक एज था या बुद्धिस्ट एज था वो बात कर रहे थे, उसमें कौन कौन से किस किस तरह से टीचर्स हैं, किस किस तरह से इंस्टीट्यूशंस थे, किस एज में आके एडमिशन होता था, किस तरह की फॉर्मल सेरेमनीज थी, तो हमने यहाँ पे वो सारी बात कर ली थी, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी जो कल वाली वीडियोज थी उसमें बात करी थी हमने क्या, तक्षशिला। जो अपनी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करी थी, इसको कैसे याद करना है वो मैंने आपको बता दिया था और अच्छी ट्रिक्स के साथ बताया था कि शीला वर्ड से, जो हमने शीला एक लड़की है उसके नाम से हमने याद करना है, वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम करेंगे जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी करेंगे, ठीक है। देखिए, दो यूनिवर्सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी और सेकेंड है नालंदा यूनिवर्सिटीज। तो इसके अलावा भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विक्रमशिला होगी, वल्लभी यूनिवर्सिटी होगी, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, मगर उनसे भी अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो यही दोनों यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नालंदा तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, ठीक है। और आप हमें टेलीग्राम पे भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर क्विजेज के लिए, ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी, अब नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पहली बात, ये लोकेट कहाँ पे है। देखो, जो तक्षशिला थी वो कहाँ थी, पाकिस्तान में, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी इसलिए रेलिवेंट और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये इंडिया से बिलोंग करती है, क्योंकि ये आज भी बिहार में ही है और हमेशा से बिहार में ही थी, ठीक है। राजगिरा बिहार में ये सिचुएटेड है। अब देखो नालंदा, अब नालंदा से क्या किसी पर्सन का आपको नाम याद आ रहा है, नालंदा गोविंदा, गोविंदा नालंदा हो रहा है ना, थोड़ा सा रिलेट हो रहा है। हमने जो तक्षशिला को याद किया था तो वो हमने किससे किया था, शीला, शीला एक लड़की थी, ठीक है। नालंदा को हमको कैसे याद करना है, अपने को गोविंदा से, ठीक है, अपने को गोविंदा से अपने को याद करना है क्या, नालंदा यूनिवर्सिटी। और जो तक्षशिला थी वो किससे थी, शीला से, ठीक है। अब ये कहां पे है, वो नियर राजगिरा बिहार में ये सिचुएटेड है, ठीक है। इट हैज़ बीन दी बर्थ ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ सरीपुता, सरीपुता एक जगह है वहाँ पे है, ठीक है। फेवरेट स्टूडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो लॉर्ड बुद्धा जो थे उनका जो फेवरेट स्टूडेंट था वो कौन था, सरीपुता। तो सरीपुता उनका स्टूडेंट था, जो फेवरेट स्टूडेंट था वो ये था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लॉर्ड बुद्धा का सबसे इंपॉर्टेंट या जो सबसे फेवरेट स्टूडेंट था वो कौन था, तो सरीपुता। तो सरीपुता किस चीज़ से रिलेट करते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी से, और नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में जो है वो लोकेट है, ठीक है। अब इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू मनियाना, अब ये मनियाना आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, मनियाना, ठीक है। अब क्या मनियाना को कैसे याद कर सकते हैं, देखो मनियाना कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेट कर सकते हैं हम लोग, मनियाना गोविंदा मांझा, गोविंदा मांझा मनियाना, उसको बार बार मनाया करते हैं, गोविंदा नाराज होकर बेचारा बैठ जाता था, ठीक है। मतलब गोविंदा की बेइज्जती नहीं कर रहे यहाँ पे अपने बॉलीवुड की, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग देखो ट्रिक्स हैं, इनका कोई सिर पैर नहीं होता, फिर भी हमें याद करनी पड़ेगी, किसी की बेइज्जती नहीं है यहाँ पे, सिर पैर नहीं होगा किसी भी ट्रिक का, लेकिन उन ट्रिक्स से हम लोग अगर स्टडी कर रहे हैं और एग्जाम हो रहा है क्लियर, तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो गोविंदा क्या है, गोविंदा बार बार बेचारा नाराज होता था, उसको मनाना पड़ता था, तो मनियाना किससे रिलेट करता है, गोविंदा से रिलेट करता है। ए बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम 427 CE टू 1197 CE, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस नॉर्मल, ठीक है। मैंने आपको बता दिया भी कब से कब तक थी ये। अब इसमें 10,000 जो है वो मॉन्क्स थे, ठीक है, एट नालंदा। ऑफ दिस 1510 वर टीचर्स, जिसमें से 1510 जो थे वो टीचर्स थे और बाकी जो 8500 थे वो थे क्या, स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे बात करी थी एक ह्यूएन सैंग की, अपन ने बात करी थी कहाँ पे, जब हम लोग पढ़ रहे थे इसका इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या फिर जब हमने बात करी थी किसकी, चरख चक्कर खा खा के जब पढ़ता है बंदा, ठीक है। तो चक्कर खा के कौन पढ़ता था, ये टीचर्स की बात करी थी ना अपने, तो ये टीचर्स में चक्कर खा खा के कौन पढ़ता था, ह्यूएन सैंग, ठीक है। तो ह्यूएन सैंग कहाँ से जो रिलेट करता है, वो करता था अपना चाइना से। तो ये चक्कर खाता था, कभी कहीं जाता था, कभी सिंगापुर जाता था, कभी बांग्लादेश जाता, कभी चाइना जाता था, कभी नेपाल जाता, तो ये चाइना का बंदा था वैसे तो मेनली। तो इसने आके कहाँ पे अपनी स्टडी करी थी, नालंदा में, कहाँ स्टडी करी थी, नालंदा में इसने अपनी आके स्टडी करी थी, और कब करी थी, 7th सेंचुरी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हायर एजुकेशन में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कोई बनता है तो वो यही बनता है कि ह्यूएन सैंग, वो डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूएन सैंग कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेट करता है, या उसने अपनी स्टडी कौन सी यूनिवर्सिटी से करी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर क्वेश्चन कोई बनता है तो वो यही बनता है, ठीक है। तो 7th सेंचुरी में जो है वो ह्यूएन सैंग आया था,
कहाँ पे? नालंदा यूनिवर्सिटी में। और उसने अपनी जो है वो स्टडी करी थी, कब तक? 5 सालों तक स्टडी करी थी। और आगे हम पढ़ेंगे वो, इसने 7 सालों तक इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था, ठीक है, एट द टाइम ऑफ गुप्ता डेंसिटी। देखो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में हमने बात करी थी किसकी, चाणक्य की। चाणक्य कहाँ से फेमस था? जो मौर्यन एम्पायर था, है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका था उस टाइम से फेमस था। तो यहाँ पे बात करें हम लोग गुप्ता से, ठीक है। तो जो ये गोविंदा था वो गोविंदा गुप्ता था, ठीक है, हम गोविंदा गुप्ता की बात करें, जो गोविंदा था वो गुप्ता था। अभी गुप्ता डेंसिटी में जो है वो सबसे पीक पे था, पीक बोले तो जैनिस, जैनिस बोले तो मतलब सबसे ऊंचे लेवल पे जो ये यूनिवर्सिटी थी वो गुप्ता डेंसिटी के टाइम पर सबसे ऊंचे लेवल पे ये यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि जो वाइस चांसलर था, जैसे आज की यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, DU होगी, उसका कोई अलग जो है वो वाइस चांसलर है, या VC जिसे हम कहते हैं, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में कोई है, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में कोई और VC होगा, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई और VC होगा। तो इस तरह से उस टाइम पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो VC था वो कौन था? शीलभद्र। कौन? शीलभद्र। अब ये शीलभद्र के बारे में भी किसने बताया था अपने को? बताया था ह्यूएन सेंग ने, ह्यूएन सेंग ने बताया था, ठीक है, अपने बात करिए ना अपने ह्यूएन सेंग की, ये रहा, तो इसने ही बात बताई थी। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की गई है, ये इसने ही बताया था कि हाँ भाई ऐसी सी कोई यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, फिर इसको खोजा खोजा गया। तो ये चीज़ इसने ही बताई, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसने बताया कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी का उस टाइम पे VC था वो कौन था? शीलभद्रा VC था। और इसने दो तरह के जो है वो स्टडी करी थी, कौन क्या क्या चीज़ें करी थी, सूत्रज, जो सूत्र हैं वो, या फिर जो शास्त्र हैं, ये दोनों बुक्स इसने जो है वो स्टडी करी थी, वो पढ़ी हुई थी, ठीक है। फिर बात करते हैं द्वारपांडी। जैसे अपने यहाँ पे एडमिशन के लिए क्लर्क होता है ना, है ना, क्लर्क के पास अपन लोग जाते हैं ऑफिस में, या फिर उनको कहते हैं सर हमको एडमिशन लेना है, आप लोग वो फिर फॉर्म देते हैं, फिर आप लोग फॉर्म जो है वो फिल करते हो, फिर उसका फोटो चिपका के उनको वापस देते हो, फिर आगे जो भी आपका इंटरव्यू वगैरह जो होता है, ठीक है। तो उस तरह से वहाँ पे उस टाइम पर जो द्वारपांडी जिसे हम कहते थे वो एक एज ए क्लर्क था, ठीक है, एक टीचर वॉज द इंचार्ज, एक इंचार्ज था किस चीज़ के लिए? एडमिशन के लिए, है ना। तो एडमिशन के लिए यहाँ पे ये इंचार्ज था कौन? द्वारपांडी। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, तो इनको याद करके रखना। शीलभद्रा VC था और द्वारपांडी क्लर्क, एज ए क्लर्क था, ठीक है, तो टीचर था, एक इंचार्ज था जो एडमिशन कराने के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। अब ये बात करते, देखो फिर से आ गया ह्यूएन सेंग, मैं बार बार कह रहा हूँ ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना। अकॉर्डिंग टू ह्यूएन सेंग एडमिशन वॉज नॉट ईजी, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ईजी नहीं था, ओनली 2% आउट ऑफ 100, 100 में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स का इसमें एडमिशन हो सकता था, इससे फालतू कैंडिडेट्स का इसमें एडमिशन नहीं होता था, क्योंकि यहाँ के जो रूल्स थे, जो प्रोटोकॉल्स थे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे या स्ट्रिक्ट थे, ये कह लीजिए, ठीक है। तो ह्यूएन सेंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही% का एडमिशन होता था 100 पीपल में से, ठीक है। यहाँ पे कितनी एज चाहिए अपने को? 20। देखो अपने बात करी थी शीला की, तक्षशिला, शीला, शीला कब एडमिशन ले सकती थी? 16वें साल में। शीला 16 साल में एडमिशन ले सकती थी, ठीक है, कहाँ पे? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। और किस चीज़ की स्टडी करती थी वो? मेडिकल की, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नालंदा, अब जो गोविंदा था बेचारा वो ना थोड़ा सा माइंड से थोड़ा अलग टाइप का था, लेकिन वो जब एडमिशन लेने गया तो वो उसका डेवलप कब हुआ माइंड? जब वो 20 साल का हो गया, ठीक है। अब 20 साल का हो गया तो इसने, जो नालंदा जो गोविंदा था बेचारा, 20 साल का होने के बाद इसने एडमिशन लिया कहीं पे, कहाँ पे? नालंदा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो 20 साल में जो है एडमिशन ले सकते थे यहाँ पे। अब जो इंपॉर्टेंट है, अभी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो किस लिए फेमस थी? यहाँ पे 8 बिग हॉल्स थे, 8 बहुत बड़े बड़े हॉल्स थे जिनको समग्रामा कहते थे, ठीक है। इसमें 300 स्टडी चैम्बर्स थे। इस देखो अब सिंपल सी बात है, आप एक तो नॉर्मल हॉल लगा लो, ठीक है, एक हॉल ही बहुत बड़ा हो जाता है, तो 8 तो इसके पास हॉल्स थे, 300 स्टडी चैम्बर्स थे, उसके अलावा ये यूनिवर्सिटी अलग से थी, ठीक है, मतलब और भी बहुत सारी जमीन, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो थी वो ये है, ठीक, मतलब थी भी और आज भी प्रेजेंट भी है, ठीक है, बिहार में आज भी प्रेजेंट है, आप आगे पढ़ेंगे क्या है। इसमें जो 3 मेथड्स हैं टीचिंग के वो कौन से होते थे? एक तो था वर्बल एंड एक्सप्लेनेटरी, वर्बल बोल के और एक्सप्लेन करके इसमें करते थे, फिर लेक्चर्स एंड डिबेट, लेक्चर देते थे और उसके बाद फिर डिबेट और डिस्कशंस वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है? डिस्कशंस, ठीक है। पहले तो पहला कौन सा हो गया? ये वर्बल और एक्सप्लेनेटरी। फिर हो गया सेकेंड कौन सा?
लेक्चर एंड डिबेट, और थर्ड वन कौन सा हो गया, डिस्कशन। तो डिबेट अलग होती है, डिस्कशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इस तरह के तीन मेथड से जो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की बात किया करते थे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक लाइब्रेरी थी, जो लाइब्रेरी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन बने हैं पहले भी और अभी भी बन सकते हैं। 9 स्टोरीज लाइब्रेरी थी, ठीक है, नॉर्मल है। 10,000 मॉन्क्स थे, 2,000 प्रोफेसर थे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है, देखो, लाइब्रेरी हैज़ 3 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इसके इस लाइब्रेरी के 3 डिपार्टमेंट से कौन, इन डिपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं, रतन, कहते ना हमारे अनमोल रतन, हमारे 3 अनमोल रतन। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो गोविंदा था, गोविंदा के 3 अनमोल रतन थे, मतलब उसके 3 अनमोल दोस्त थे। ठीक है, तो रतन जब अपन रतन से याद करेंगे तो रतन से कैसे, देखो, रतन रतन सागर था, रत्नो देवी थी, ठीक है, और रत्ना जनक था, हो जाए नॉर्मल याद हो जाएगा। गोविंदा के 3 अनमोल रतन थे, कौन थे, 3 अनमोल रतन थे, रतन सागर, रतन रत्नो देवी और रतन जनक। ठीक है, ये 3 नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपना हो जाएगा याद। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि बख्तियार खिलजी, ठीक है, खिलजी ने इसे 12th सेंचुरी में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब इसको याद कैसे रखना है, किस सेंचुरी में, यहाँ पे पूछ सकते हैं, देखो पहले जो यहाँ पे था, यहाँ पे सेंचुरी नहीं पूछेगा आपसे कि कौन सी सेंचुरी में बना, आप नॉर्मल यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे तो नहीं बनेगा, वैसे हल्का सा अगर पढ़ जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पूछ सकते हैं कि बख्तियार खिलजी ने इसे कब डिस्ट्रॉय किया, तो वो आपको याद करना पड़ेगा 12th। अभी 12th याद कैसे रहेगा, देखो, जब गोविंदा गोविंदा ने अपने क्या हुआ, 20 20वें में एडमिशन लिया, ठीक है, 20वें में एडमिशन लिया। अब एडमिशन लिया तो ये अपना फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक पढ़ता रहा। तो बख्तियार खिलजी और जो गोविंदा था वो बड़े अच्छे दोस्त थे। ठीक है, तो जब वो पढ़ के, मतलब 12th उसकी पास होगी तो उसको कॉलेज में जाना था। अब कॉलेज में जाना था तो इस बख्तियार खिलजी रोने लग गया, कहता ना भाई तू मत जा, भाई तू जाएगा तो ये यूनिवर्सिटी तो सुनी सुनी हो जाएगी, तेरे करके तो मैं यहाँ पे हूँ। तो उस वो तो चला गया, कहता नहीं यार मुझे अपना करियर देखना है तो मैं तो जा रहा हूँ। तो खिलजी को जो है वो गुस्सा आया और उसके 12th पास करते ही उसको तोड़ दिया, क्या कर दिया, उस यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि बख्तियार खिलजी जो है वो गोविंदा का दोस्त था और जब उसने 12th क्लास अपनी पार करी तो उसको गुस्सा आया कि नहीं यार तू चला जाएगा तो इस यूनिवर्सिटी में तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, अभी मेरा मन नहीं लग रहा तो इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी को तोड़ रहा हूँ और मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से, ताकि भाई ना तू अगर नहीं आएगा यहाँ पर तो कोई निशाने भी नहीं रहने चाहिए, हमारी दोस्ती भी हमेशा अमर रहेगी। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी को इसने क्या करा, डिस्ट्रॉय कर दिया। कब, 12th सेंचुरी में। इसका क्या आता है, अब जो प्रेजेंट की बात है, मतलब वो तो 12th सेंचुरी की बात हो गई थी, उसने तोड़ तोड़ के चला गया। अब जब इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है, 1947, उसके बाद क्या हुआ, 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने रिकमेंड किया था, क्या रिकमेंड किया था कि नव नालंदा महाविरहा, ठीक है, बोले तो न्यू सेंटर ऑफ पाली एंड बुद्धिज्म, पाली एंड बुद्धिज्म के लिए न्यू सेंटर बनाने के लिए रिकमेंडेशन जो दी थी वो किसने दी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यह क्वेश्चन बन सकता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी थी आपको क्या, नव नालंदा महाविरा, इसके लिए रिकमेंडेशन दी थी, कब, 1951 में। ठीक है, ये न्यू सेंटर था पाली और बुद्धिज्म का। अब उसके बाद तब से उसके फिर बातें चलती रही चलती रही, अब करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो बहुत इन्होंने मशक्कत करी, तो आके इन्होंने धीरे धीरे जो है वो डेवलप करनी शुरू करी। फिर 2006 में आके डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दे दिया। अब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या मतलब क्या होता है, देखो जहाँ पर भी डीम्ड लग जाए, डीम का मतलब होता है जैसी, ठीक है, उसके जैसी, यूनिवर्सिटी तो नहीं है वो, यूनिवर्सिटी तो नहीं है मगर यूनिवर्सिटी जैसी है, समझ रहे हो, कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी तो नहीं है मगर वो यूनिवर्सिटी जैसी है। तो 2006 में से डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का जो है वो दर्जा दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या है, सेटअप किया कहाँ पे, बिहार में, एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर से बिलोंग करते थे, ठीक है, अब क्या हुआ, सेंट्रल, इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया कि कहाँ भाई बिहार के बस की बात नहीं है, ये स्टेट की बस की बात नहीं है और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें मतलब गोविंदा पढ़ा हुआ है और जो है वो खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो हम इसको संभाल के रखेंगे ताकि और कोई नहीं करे, ठीक है, तो और कोई मतलब यहाँ पर आके तोड़ फोड़ ना करे और कुछ ना करे। तो ये क्या काम किया, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर इस को खोल दिया गया। अब किसकी हेल्प से खोला गया, जापान की हेल्प से, चाइना की हेल्प से, थाईलैंड की हेल्प से, सिंगापुर, लेओस और ऑस्ट्रेलिया की हेल्प से, ठीक है। और जो इसमें फर्स्ट एकेडमिक ईयर हुआ था वो कब हुआ, 2014 में, और जिसमें कि 15 स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें आप कर सकते हो, एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं क्या चीज़ें, ठीक है, देख लेते हैं।
ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे कहाँ पे है पहली बात तो, ये बिहार में सिचुएटेड है, कैसे याद करना है, गोविंदा से याद करना है। और लॉर्ड बुद्धा का जो फेवरेट स्टूडेंट था वो कौन था, सरीपुता, तो सरीपुता के नाम पे जो है वो वहाँ पे करी गई थी। ठीक है, अब क्या इसको मनियाना, मतलब गोविंदा जो था बेचारा वो बार बार नाराज होता था तो उसको मनाना पड़ता, तो मनियाना से इसके याद कर सकते हैं। आगे कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये ह्यूएन सेंग, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसने अपनी स्टडी कब शुरू करी, 7th सेंचुरी में अपनी स्टडी शुरू करी थी, और उसके बाद 5 साल तक इसने अपनी स्टडी करी थी, मतलब इसने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों वहीं कर ली थी, ऐसे याद कर सकते हैं। किसके साथ, गोविंदा के साथ। ठीक है, ह्यूएन सेंग ने गोविंदा के साथ। अभी ह्यूएन सेंग देखो, तीन पर्सन है यहाँ पे, एक है गोविंदा बोले तो नालंदा, उसके बाद जिसको अपन याद करना है, फिर है ह्यूएन सेंग, और तीसरा है बख्तियार खिलजी, ठीक है, जिसने इसको डिस्ट्रॉय किया था। तो ये तीनों थोड़ा सा इकट्ठे लिंक करके चलना है। बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय किया था, ह्यूएन सेंग ने इसे बताया था, अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि जो रामायण है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है तक्षशिला का, और इसका, और जो अपना गोविंद है वो तो फिर नालंदा से रिलेट वैसे ही करता है, तो अपने को तीनों चीज़ याद करनी है। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी में ये पीक पे थी। उसके बाद वाइस चांसलर जो था, वाइस चांसलर जो था इसका, वो कौन था, शीलभद्रा, शीलभद्रा था। इसने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, इसने बुक्स पढ़ी थी कौन सी, एक तो सूत्रा पढ़ी थी और दूसरी कौन सी पढ़ी थी, शास्त्र। ठीक है, तो ये दोनों इसने बुक्स पढ़ी थी अपनी। और द्वार पांडी जो था वो बेचारा वो क्लर्क था, वो एडमिशन के लिए लाइबल होता था, और ह्यूएन सेंग के अकॉर्डिंग जो वो क्या है, वो इजी नहीं था यहाँ पे एडमिशन, 100 में से सिर्फ 2% का यहाँ पे एडमिशन हुआ करता। मिनिमम एज क्या थी, जो गोविंदा की एज थी वो बेचारा थोड़ा मंदबुद्धि था, तो उसकी 20 ईयर में आके उसका जो है वो, मतलब जो 20 साल का हो गया तो बेचारे का एडमिशन हुआ। ठीक है, फिर जब उसने फर्स्ट से लेके, जब उसका एडमिशन हुआ तो फर्स्ट से लेके उसने 12th क्लास तक अपनी स्टडी जो वो पूरी करी। फिर 12th क्लास में जो है वो बेचारा वो जब पास हो गया तो उसको कॉलेज जाना था, तो बख्तियार खिलजी कहता ना भाई मैं तो नाराज हो रहा हूँ, तू जा रहा है इस यूनिवर्सिटी से और मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। तो उसने क्या किया, उसने गुस्से में आके उस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 8 बिग हॉल्स थे जिसको समग्रामा कहते हैं, 300 स्टडी चैम्बर्स थे। ठीक है, तीन मेथड्स हैं यहाँ पे टीचिंग के, वर्बल एंड एक्सप्लेनेटरी, लेक्चर एंड डिबेट्स, और थर्ड वन है डिस्कशन। 9 स्टोरी की लाइब्रेरी थी, 10,000 मॉन्क्स थे और 2,000 प्रोफेसर थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, लाइब्रेरी के तीन डिपार्टमेंट्स थे रतन, जिसको हमने याद कैसे करना है, गोविंदा के तीन अनमोल रतन थे। तीन अनमोल रतन कौन से, एक तो था रतन सागर, रतनो देवी और रतना जनक, ये तीन इसके थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में इसे रिकमेंड किया कि हमें जो है वो सेंटर बनाना चाहिए, किस चीज़ के लिए, पाली और बुद्धिज्म के लिए, जिसे नाम देंगे नव नालंदा महाविहार। ठीक है, तो 2006 में इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी कह दिया। डीम टू यूनिवर्सिटी बोले तो यूनिवर्सिटी तो है मगर, सॉरी, यूनिवर्सिटी जैसी है मगर यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है, फिर 2010 में इसे क्या किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को बिहार में सेटअप कर दिया एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो आज के टाइम पे बिहार में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे काम करती है, जिसे सेटअप किया गया था जापान, चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस और ऑस्ट्रेलिया की मदद से। ये नहीं पूछेगा इतना कोई खास, बस इसको यह याद रखना है 2010 में इसे सेटअप किया गया था एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और इसका फर्स्ट अकेडमिक जो ईयर था वो 2014 में था, इसमें 15 स्टूडेंट्स पढ़े थे। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें। चलिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए रेगुलर क्विजेज के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।